इस तरह के आप लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किन किन बातों को लेकर किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन? हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये संयुक्त जिला चिकित्सालय है, यहाँ पे जब महिलाओं गर्भवती महिलाएं आती हैं तो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था इनके यहाँ पर नहीं है, जिनको टेंडर दिए हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे बैठे हैं जिनका कमीशन फिक्स होगा, इसलिए खाली USG लिख करके भेज देते। कल इसी तरह अल्ट्रासाउंड मशीन आई है कहाँ, हमसे पता नहीं, इनका टेंडर भी नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, इनके यहाँ ना धागा है, ना ही माइक्रो टेप है, ना ब्लेड है। इस जिला अस्पताल में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो गरीबी रेखा के लोगों को आकर के उसकी सुविधा मिले। और बाल रोग विशेषज्ञ लखनऊ से यहाँ पर उनकी पोस्टिंग है, इस जनपद की लिस्ट में तीसरा स्थान है वो महेंद्र कुमार त्रिपाठी, जो कि कहीं भी ना बोर्ड लगा है ना कभी यहाँ बैठते हैं। हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, CMO साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमको ज्ञापन दे दीजिए, CMO साहब कहीं दौरे पे गए हैं। अभी 5-7 मिनट पहले CMO साहब इसी जिले में थे, क्योंकि इनके यहाँ ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें होती हैं कि CMO साहब कहते हैं बदरी से बात कर लो, बदरी कहते हैं हमारी लाठी उन पे नहीं चलेगी। तो आम जनता यहाँ की कहाँ जाएगी अपनी परेशानियों को लेकर के? आग का ड्रोप इनके यहाँ नहीं है, पैरासीटामोल कल तक नहीं थी, 12 पर्चे बने हैं, किसी में नहीं मिली है, आज कह रहे हैं हमारे यहाँ आ गई है। और उसके बाद में छोटी से छोटी चीजें जो है इनके यहाँ उपलब्ध है। क्या लगता है जो जिम्मेदार अधिकारी है इनके गठजोड़ से आम जनता परेशान हो रही है? इनके गठजोड़ से कि इनके सबके कमीशन से आम जनता परेशान हो रही है, ये कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा है। CMO जनपद के नोडल अधिकारी है, उनसे बात करो तो कहते हैं वहाँ पे बद्री है, वहाँ पे गुप्ता है, वहाँ पे वो है। अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस तरह अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो जनता किसके पास जाएगी, किसके पास शिकायत करेगी? अगर मांगे अभी महिला किसानों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद आपको ज्ञापन दिया है, किन मुद्दों को लेकर आपको ज्ञापन दिया गया है? इसमें जो है इस चिकित्सालय की जो समस्याएं हैं, उनमें एक यह है कि अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ पर नहीं है, इसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को परेशानी होती है। अल्ट्रासाउंड की मशीन कल ही हमारे पास आ चुकी है, कल क्या 2-3 दिन पहले आ चुकी है, लेकिन उसमें अभी एयर कंडीशनर नहीं है उस कमरे में, और प्रिंटर नहीं है, थर्मल प्रिंटर एक आता है वो नहीं है। इसके लिए हमने मांग पत्र भी भेजा हुआ है और हम और दूसरी कंपनियों से CSR फंड के तहत भी इसको इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्ट्रासाउंड की समस्या जो है जल्द से जल्द अल्ट्रासाउंड यहाँ पे नियमित रूप से होने चाहिए। आरोपी के शासन से नियुक्त तो जो है यहाँ पे डॉक्टर CSC में तैनात जो लेवल 4 के हैं, क्या कारण है, किस आधार पर उनको वहाँ पे नियुक्ति दी गई? ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के कार्यक्षेत्र का विषय है, इसके बारे में मुझे